हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि एमएस एक्सेल और गूगल स्प्रेडशीट में ज़्यादा अच्छा कौन है। वैसे तो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन आपको यूज़ करने के लिए ज़्यादा बेटर कौन सा पड़ेगा। इफ़ आई टेल डिसएडवांटेजेस ऑफ गूगल स्प्रेडशीट, यूट्यूब भी लाइक पहली फुर्सत में निकल तेरी वीडियो वायरल नहीं होगी। डायरेक्ट डिसएडवांटेज और एडवांटेज बताने से अच्छा है कि पहले आप इनके बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारी जान लीजिए। एमएस एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने डेवलप किया है, वहीं दूसरी तरफ गूगल स्प्रेडशीट को गूगल एलएलसी ने डेवलप किया है। एमएस एक्सेल एमएस ऑफिस का पैकेज है, वहीं दूसरी तरफ गूगल स्प्रेडशीट जी सूट का पैकेज है। एमएस एक्सेल का जो क्लाउड है उसका नाम है वन ड्राइव, वहीं दूसरी तरफ गूगल का जो क्लाउड है उसका नाम है गूगल ड्राइव, जो मोस्ट ऑफ द लोगों को मालूम ही होगा और वो यूज़ भी करते होंगे। एंड लास्ट थिंग, गूगल स्प्रेडशीट को 9 मार्च 2006 में लॉन्च किया गया था, वहीं दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को 19 नवंबर 1987 यानी कि 1987 में लॉन्च किया गया था। लेकिन ये बात बहुत कम लोग को मालूम है कि 30 सितंबर 1985 में एमएस एक्सेल का एक वर्जन और लॉन्च हो चुका था मैकिंटोश के लिए। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैकिंटोश क्या होता है, लॉल। जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द लोग को मैकिंटोश का मतलब मालूम है, लेकिन उनको असलियत में नहीं मालूम है। मैकिंटोश वही है जिसको आज आप एप्पल के मैक के नाम से जानते हो, और मैकिंटोश को 22 जनवरी 1984 में लॉन्च किया गया था एक एड के थ्रू, जिसमें बताया गया था कि इसकी सेल 2 दिन बाद से शुरू हो जाएगी। नहीं जनाब, ये गलत हो रहा है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए। अब डायरेक्ट बात करेंगे डिसएडवांटेज और एडवांटेज की। पहले गूगल का डिसएडवांटेज एडवांटेज बताना, फिर एक्सेल का, तो ये मज़ा नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि हम कंपैरिजन कर लेते हैं। एक तो इस वीडियो को बनाने में इतनी दिक्कत हो रही है, जब भी गूगल बोलो तो गूगल खुल जाता है। बोल कर देखिए, वरना तेरे को डर नहीं लगता। पॉइंट नंबर 1, एमएस एक्सेल 91 लैंग्वेज में अवेलेबल है, वहीं दूसरी तरफ गूगल स्प्रेडशीट 83 लैंग्वेज में अवेलेबल है। पॉइंट नंबर 2, एमएस एक्सेल को एक बार में सिर्फ एक ही लोग यूज़ कर सकता है। अगर किसी तरह से 2 लोगों ने उस फाइल को ओपन भी कर लिया है तो जिसने पहले ओपन किया सिर्फ वही एडिटिंग कर पाएगा, दूसरा वाला सिर्फ रीड कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ गूगल स्प्रेडशीट को बहुत लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से कोलैबोरेशन के लिए बहुत अच्छा है, और एमएस एक्सेल में तो कोलैबोरेशन का सी भी नहीं है। पॉइंट नंबर 3, एमएस एक्सेल को हम लोग ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गूगल स्प्रेडशीट को हम ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, गूगल स्प्रेडशीट में 4 लाख से भी कम सेल है, वहीं दूसरी तरफ एमएस एक्सेल में 1,700 करोड़ से भी ज़्यादा सेल्स हैं, और ये मैं एक सिंगल शीट की बात बता रहा हूँ। तो सोच लो कि अगर आपको ज़्यादा डाटा रखना है तो कौन बेहतर है। पॉइंट नंबर 5, गूगल स्प्रेडशीट में आप चैटिंग भी कर सकते हो, क्योंकि साइड में एक चैटिंग का बार होता है उसमें, लेकिन एक्सेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यानी कि एक्सेल में चैटिंग का सी भी नहीं है। लगता है कि एक्सेल को सी से कुछ प्रॉब्लम है, कोलैबोरेशन का सी, चैटिंग का सी। पॉइंट नंबर 6, अगर आपको डाटा एनालिसिस करना है तो आप एकदम पैर धो के पी लो एक्सेल का, क्योंकि उसमें इतने तरह के एनालिसिस है कि आप सोच नहीं सकते हो। वहीं दूसरी तरफ एनालिसिस के नाम पे कुछ भी नहीं है गूगल स्प्रेडशीट में, तो अगर आपको गूगल में डाटा एनालिसिस करना है तो उसके लिए आपको हाथ का यूज करना पड़ेगा, मतलब मैनुअली करना पड़ेगा यार। पॉइंट नंबर 7 है, एक्सेल का वन ऑफ द बेस्ट चीज मैक्रोज। मेरे लिए तो सबसे बेस्ट एक्सेल में मैक्रोज है, मुझे तो फॉर्मूला से भी ज्यादा अच्छा मैक्रोज लगता है, लेकिन गूगल स्प्रेडशीट में मैक्रोज का नामो निशान नहीं है, जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते हो गूगल स्प्रेडशीट में। पॉइंट नंबर 8, एमएस एक्सेल आपको चार्ज करेगा 600 रुपए के लगभग पर मंथ, वहीं दूसरी तरफ गूगल का जो स्प्रेडशीट है वो फ्री इंडिविजुअल के लिए, अगर बिजनेस के लिए खोलना है तो उसके लिए भी लगभग 300 रुपए सिर्फ लगेंगे पर मंथ। अब बात कर लेते हैं कुछ अलग से डिसएडवांटेजेस की। एमएस एक्सेल के 3 बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस हैं। पहला ये है कि उसमें ट्रबल शूट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन साथ में एक यहाँ पे अच्छी बात भी आती है कि अगर आपके एक्सेल में कुछ कभी प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से वो वर्किंग करना बंद कर देता है एंड आप एक्सेल को क्लोज कर देते हो, तो वो कोशिश करता है कि आपका डाटा मोस्ट ऑफ द टाइम रिकवर करने की, और जो कि वो कर भी लेता है। दूसरी प्रॉब्लम ये आता है कि अगर मेरे कंप्यूटर या फिर मेरे सर्वर पे एक एक्सेल फाइल रखी हुई है और मैं और मेरा दोस्त चाहते हैं कि उसको हम लोग सेम टाइम पे यूज़ करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसे डिनाइड का प्रॉब्लम आ जाएगा वहाँ पे, बल्कि वो अगर ड्राइव पे होगा तो भले हम लोग मल्टीपल यूज़र यूज़ कर सकते हैं। एंड तीसरी चीज़, हम लोग कोलैबोरेशन इसलिए भी नहीं कर पाते बहुत बार क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड का जो वर्जन होता है वो अलग होता है और तुम्हारा वर्जन अलग होता है। गूगल स्प्रेडशीट के डिसएडवांटेजेस, पहली बात तो ये, जो गूगल स्प्रेडशीट होता है उसमें आप कम डाटा रख सकते हो, और जैसे जैसे आपका डाटा बढ़ेगा उतना ही लोडिंग टाइम भी आपका बढ़ जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, इसमें एक्सेल के कंपैरिजन में फार्मूलाज वगैरह भी कम है। अब चलते हैं डायरेक्ट कंक्लूजन पे कि बेटर कौन सा है, एक्सेल या फिर गूगल स्प्रेडशीट। और हाँ, एक बात और, जिस जगह पे इस वीडियो में कट लगी है तो समझ जाना गूगल बोलने पे गूगल खुल गया है।
वैसे तो MS Excel आपको ज्यादा अच्छा पड़ेगा, लेकिन आपको इंडिविजुअली छोटे मोटे खर्चों का हिसाब करने के लिए या फिर अपने ग्रुप कॉलेज के जो है उसके साथ में कोलैबोरेशन करके कुछ काम करना है तो गूगल स्प्रेडशीट आपको ज्यादा बेटर पड़ेगी। लेकिन अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसके लिए MS Excel ज्यादा अच्छा पड़ेगा, क्योंकि उसमें डाटा आप ज़्यादा स्टोर कर सकते हो। और अगर आपके एक्सेल में ज़्यादा डाटा भी होगा तो भी एक्सेल को ज़्यादा खुलने में टाइम नहीं लगेगा एज कम्पेयर टू गूगल स्प्रेडशीट। वैसे तो मैं MS Excel प्रीफर करता हूँ और मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि आप MS Excel को यूज़ करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और भी ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।